बग्गी घोड़ा सहित बारात पहुंची नगर पालिका। बारात को स्वागत कलश और मंगल गीत से भाव। नगर पालिका के विवाह मंडप पे दुल्हन का लगाओगे तिलक। जी हां, छतरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत नगर पालिका छतरपुर प्रांगण में रविवार का 38 वर वधु विवाह के बंधन में एक दूजे के हो गए। जिनमें 37 विवाह भये तो उतई एक निकाह भी पड़ोगो। अतिथियन द्वारा वैवाहिक जीवन में बंधे जोड़न को उज्ज्वल जीवन को आशीर्वाद दोगो। स्टेडियम प्रांगण से बग्गी घोड़ा और बैंड वाजे सहित बारात 6 साल चौराहा होकर नगर पालिका विवाह स्थल प्रांगण पहुंची। दूल्हा और बरातियन को वैदिक संस्कृति से द्वाचार संस्कार और मंगल कलश मंगल गीत से स्वागत करोगा और तिलक भी लगाओगे। ये अवसर पे भोपाल के जंबूरी मैदान से मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च करी गई लाडली बहना योजना के लाइव प्रसारण का सुनोगाओ। सामूहिक विवाह में विधायक बड़ा मलेरा प्रद्युम सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्नोत्री, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी, पूर्व विधायक जुदार सिंह बुंदेला, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला महामंत्री अर्जुन पटेरिया, जिला महामंत्री सुरेंद्र चौरसिया और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया जी उपस्थित रहे। विवाह संस्कार में वरवधु ने एक दूजे का वरमाला पहनाई और शासन प्रशासन के द्वारा वरवधु पक्षन का सामूहिक विवाह में सामग्री भी दी गई, जिसमें पायल बिछिया, कांटा मंगलसूत्र, रेडियो, टेबल फैन, एलईडी टीवी, दीवार घड़ी, अलमारी, कुर्सी टेबल, पलंग, रजाई गद्दा, तकिया, चादर, डाइनिंग टेबल, स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, वधु के लाने बस, चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री, सिलाई मशीन दी गई है। और जन्मदिन के मौके पर आज उन्होंने एक तोहफा दिया लाडली बहनों को कि उनके खाते में हर महीने 1000 रुपये की राशि डाली जाएगी। लाडली बहना वो बन गई हैं और आज हमने लाडली बहनों की अपने बच्चियों की शादी भी यहाँ करी और आज दो दो शुभ कार्य हमारे यहाँ हुए हैं। मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं, गरीबों के हित की योजनाएं, हमारे प्रदेश की हित की योजनाएं लगातार इस प्रकार बनाते रहेंगे ताकि हमारा प्रदेश खुशहाल रहे। जो वरवधु दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं उनके लिए क्या संदेश? मैं सभी बेटे बेटियों को, वरवधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दूधों नहाए पूते फले सब। लेकिन उसको म्यूट करके आप लोगों ने भाषण चालू कर दिया, मुख्यमंत्री लाइव दिखाया नहीं गया, बाकायदा स्क्रीन लगाई गई थी, व्यवस्था की गई थी कि मुख्यमंत्री लाइव नहीं दिखाया गया, म्यूट कर दिया। नहीं, बाद में चालू किया गया है, खत्म हो चुका था। नहीं, चल रहा था, उनका सबने देखा भी है, मुख्यमंत्री लाइव नहीं दिखाया गया, सारी व्यवस्थाएं की थी। हाँ, नहीं, कई कई जगह व्यवस्थाएं लगातार पूरे पंचायत स्तर पर भी व्यवस्थाएं करी, आज यहाँ व्यवस्था लाइव नहीं चला। नहीं, सभी जगह लाइव तो सभी जगह चला, हो सकता है किसी कारणवश म्यूट हो गया हो, परंतु जैसे ही वॉल्यूम चालू हुआ उनका भाषा चालू भी हो गया। कितनी विवाह हुए हैं, क्या क्या उपहार में भेंट किया जाता है? इसमें खास बात यह है कि दो पुनर्विवाह भी शामिल हैं, ऐसी हमारी बेटियाँ जिनके पतियों की उम्र में किसी कारणवश एक दूसरे के साइड घूम जाए, उनका पुनर्विवाह किया जा रहा है, जो एक अच्छा मैसेज है। पहले वधु डालेंगे फिर वर डालेंगे। 3, 2, 1 भारत माता की, भारत माता की, बोलो शंकर पार्वती मैया की। जो उनके घरेलू उपयोग की सामग्री है वो उनको क्या सर शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप नए वरवधु को उनके जीवन के लिए? अपने जिस तरह से हम लोग अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, इसी उत्साह के साथ नगर पालिका अपने अपने ब्याह में सबने बजवाई, बच्चों के ब्याह में तो बजाओ तालियां देना है, ऐसा क्या है काम? और लुटाई हमारे यहाँ से ही खाइए, बस हम जान गए आपसे है ना, जब 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 तक होना। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबर जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता सुरेश तिवारी की, ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पिशवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।